क्या आप नवरात्रि में ज़मीन लेना चाहते हैं? क्या आप नवरात्रि में प्लॉट बुक करना चाहते हैं? सारे सवालों का जवाब देंगे आचार्य जी, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार, मैं राहुल सिंह, भूमि दुकू डॉट कॉम सीईओ, बंगला दुकू डॉट कॉम का डायरेक्टर। आज हम बैठे हैं आचार्य जी के पास और सबकी मन में ये वेदना भरी रहती है कि पितृपक्ष में क्या उपाय करें, किस दोषों से मुक्त हो जाए, क्या हमारे धन हानि हो रही है, बल हानि हो रही है या सुख संपत्ति में बाधा बन रही है। तो आज हम गुरु जी को अनुरोध करेंगे कि गुरु जी इन शब्दों पे प्रकाशित करें और उपाय के साथ हमें मार्गदर्शन करें। जय माँ विंध्यवासिनी। प्रिय मित्रों, जैसे कि श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो गया है और श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाने से ही पितृदेवो भव के रूप में बहुत से इसमें अपवादजनक शब्द भी आते हैं। लोग कहते हैं श्राद्ध पक्ष बहुत ही ख़राब है। राहुल जी, तो जैसे कि आप इसको पितृदेवो भव शब्द संबोधित किया जाता है, तो पितृदेवो भव तो देवतुल्य हैं, तो इसमें कोई विशेष अशुभ तो है ही नहीं शास्त्र के हिसाब से। फिर भी इसमें शास्त्र में लिखा हुआ है, ऋषि मुनियों का मत है कि शुभ कार्य वर्जित है पितृपक्ष में शुभ कार्य वर्जित। शुभ कार्य क्या मतलब कि गृह प्रवेश, मंगलाधिकार मतलब विवाह कार्य, ये सब विशेष रूप से पितृपक्ष में निषिद्ध बताए गए हैं। वो और भी शुभ कार्य कुछ मानक के तौर पे कुछ लोग जमीन से संबंधित भी इसको मान लेते हैं। हालांकि व्यक्ति के जीवन में जमीन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वो भी अत्यंत शुभ कार्य माना जाता है। जो व्यक्ति अपने कई वर्षों की गाढ़ी कमाई के द्वारा कुछ एक भूमि का टुकड़ा ग्रहण करता है, तो उसे शुभ कार्य और क्या हो सकता है। वाहन खरीदे, भूमि खरीदे, भवन खरीदे, बहुत अत्यंत शुभ कार्य हैं, तो यह सब भी शुभ कार्य वर्जित हैं। फिर भी एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि बहुत से ऐसे भी जातक हैं, ऐसे मित्रगण हैं जो कई बार प्रयास करने के बावजूद भी अपने सुखों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या प्राप्त करते करते धन भी व्यय हो जाता है, नष्ट हो जाता है और सुख भी उनको नहीं मिलता है। इसका कारण क्या है? कुंडलियाँ आती हैं अपने पास, देखने को मिलता है कि 50% कुंडली में पितृदोष से वो पीड़ित है। तो मैं उन सभी दर्शकों और मित्रों को मैं कहना चाहूँगा जिनके जन्म पत्रिका में पितृदोष विद्यमान है या पितृदोष लगा हुआ है, वो इस पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में वो छोटे छोटे कुछ उपाय हैं, उनको करके उससे मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय, मंगलमय बना सकते हैं। प्रथमतः पहला उपाय यह है कि आटा को भूनकर प्रातःकाल में रेड कलर वाली जो चींटी होती है, लाल भूरी चींटियाँ, उनको खिलाएं, इससे भी पितृगण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दूसरा, आप पितृपक्ष 15 दिन नित्य जिनके कुंडली में पितृदोष विद्यमान है वो नित्य तिलांजलि गंगा किनारे, सरोवर किनारे जाकर दें, और उसके साथ जिन जातक के कुंडली में विशेष रूप से पितृदोष विद्यमान है वो त्रिपिंडी श्राद्ध करें या नारायण कवच का नित्य पाठ करें या भगवती नारायण का एकादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक मंत्र का जाप खुद स्वयं करें या स्वयं करने में असमर्थ हैं तो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा जाप कराकर हवनादि क्रियाओं से संपन्न होकर दानादि क्रियाओं को करें। निश्चय ही पितृलोक में विद्यमान हमारे पितृ, आपके पितृदेवता आप पर प्रसन्न होंगे और वो आपकी इन समस्याओं से मुक्त करेंगे और आपको एक सुखद सुखमय जीवन प्रदान करेंगे। जय माँ विंध्यवासिनी।